हम लोगों ने क्या किया था, इम्पोर्टेंट अलग अलग मूवमेंट्स देखे थे इंडिया में के, और वो मूवमेंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था, थोड़ी इंफॉर्मेशन ली थी. सो फर्स्ट मूवमेंट दैट वी सॉ वॉज ट्राइबल मूवमेंट. ठीक है, वी आर गोइंग टू रिवाइज इन शॉर्ट एंड देन स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट. सो ट्राइबल मूवमेंट क्यों हुआ था, क्योंकि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, तब क्या होता था, ट्राइब्स को उनके राइट नहीं मिलते थे. राइट्स नहीं मिलते थे मतलब उनका जो पूरा लाइवलीहुड होता था वो फॉरेस्ट के ऊपर बेस्ड था. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, फॉरेस्ट के सभी गुड्स के ऊपर, मतलब फॉरेस्ट में अगर आपने वुड यूज़ किया, फ्रूट्स यूज़ किए, तो सबके ऊपर टैक्स लगता था. और इसके लिए क्या हो गया था, ट्राइबल लोगों के अंदर एंगर बिल्ट हो गया था, और उसके लिए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स किए थे. उसमें हम लोग ने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कि था रामोशी ट्राइब करके एक महाराष्ट्र में ट्राइब थी, उसके एक एग्जाम्पल हम लोग ने देखे थे वासुदेव बलवंत फड़के, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ सोशल मूवमेंट स्टार्ट की थी. और ऐसे और अलग अलग ट्राइब्स ने अलग अलग जगहों पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ क्या किया था, सोशल मूवमेंट स्टार्ट किया था. जैसे एग्जाम्पल हम लोग ने देखा कोलम ट्राइब फ्रॉम छोटा नागपुर, उसके बाद में हम लोग ने देखा था संथल एंड मुंडा ट्राइब फ्रॉम बिहार, तो ये उनका एग्जाम्पल है, संथल ट्राइब फ्रॉम बिहार और मुंडा ट्राइब फ्रॉम बिहार. तो इन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ सोशल मूवमेंट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था कि उनको अपने सारे फॉरेस्ट के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो उनको मिले. उसके लिए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ सोशल मूवमेंट स्टार्ट की थी. फिर हम लोग ने फार्मर्स मूवमेंट देखा था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, ऐसे क्रॉप्स जिससे उनको ज़्यादा बेनिफिट होता था, उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता था, वो क्रॉप्स फार्मर्स को कल्टिवेट करने के लिए फोर्स करती थी. और उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ फार्मर्स में भी बहुत ज़्यादा एंगर फैल गया था. इवन कुछ कुछ जगहों पे फार्मर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था. फॉर एग्जांपल हम लोग ने देखा था फार्मर मूवमेंट हुई थी इन बरदोली, वो कहाँ पे, गुजरात में, वहाँ पे फार्मर्स के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाने की वजह से मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. फिर चंपारण्य में फार्मर्स को इंडिगो कल्टिवेशन करने के लिए बोला था, जिससे फार्मर्स को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था, उसके वजह से फार्मर्स ने मूवमेंट स्टार्ट किया था. तो ऐसे अलग अलग मूवमेंट्स इंडिया में फार्मर्स ने स्टार्ट किए थे. मोस्टली उनके लीडर कौन थे, महात्मा फुले, महात्मा गांधी या फिर जस्टिस रानडे. फिर हम लोग ने देखा था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में इंडिया में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, और हम लोग ने पढ़ा होगा, साइंस में भी आपने पढ़ा होगा कि MS स्वामीनाथन जो है उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद भी क्या हो गया था, कुछ फार्मर्स को बेनिफिट हुआ था लेकिन कुछ फार्मर्स को बेनिफिट नहीं हुआ था. जैसे कि मैंने आपको बताया पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये रीजन के कुछ फार्मर्स को बेनिफिट हुआ लेकिन बाकी के फार्मर्स को ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ. और उसके वजह से पुअर फार्मर और रिच फार्मर उनमें का डिफरेंस बढ़ गया था. और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में फार्मर्स ने गवर्नमेंट के खिलाफ क्या किया था, सोशल मूवमेंट करना स्टार्ट किया था. अलग अलग फार्मर्स के ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताए थे, फॉर एग्जाम्पल शेतकरी संगठना, भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा, ये सब फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है. जब भी आपको कहीं पे फार्मर्स का प्रोटेस्ट दिखेगा, कोई ना कोई तो इसमें का एक यूनियन या फिर ऑर्गेनाइजेशन उसको लीड करता होगा. ओके, फिर हम लोग ने ट्रेड यूनियंस मतलब जो वर्कर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, उनके सोशल मूवमेंट्स के बारे में देखा. तो उसमें हम लोग ने क्या देखा था कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तभी मशीन्स का यूज़ ज़्यादा बढ़ गया था, और ऐसे में क्या हो गया, जो भी वर्कर्स थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था. तो 1920 में पहली बार वर्कर्स ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था. वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस. और ये जो यूनियन कांग्रेस है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ वर्कर्स के जो भी प्रॉब्लम होते थे वो प्रोटेस्ट करके, सोशल मूवमेंट्स करके ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुँचाता था. ओके, देन हम लोग ने देखा कि 1980s में क्या हो गया था कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अलग अलग हो रहे थे. फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया यूनियन ट्रेड कांग्रेस अगर है तो अलग अलग जगह पे उसके अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्ट्स बनने लग गए, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन. तो ऐसे डिसइंटीग्रेशन के वजह से जो भी ट्रेड यूनियंस के मूवमेंट्स होते थे उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो पाता था. राइट, जितना हम लोग यूनिटी से मूवमेंट करेंगे, यूनिटी से प्रोटेस्ट करेंगे, उतना इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा. लेकिन ऐसे डिसइंटीग्रेशन के वजह से जो भी ट्रेड यूनियंस के मूवमेंट है वो बाद में इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे. ओके, फिर हम लोग ने वर्कर्स के अलग अलग प्रॉब्लम्स देखे,
उनको अलग अलग क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि ज्यादा टाइम तक काम करना पड़ता है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी होती है, राइट, ये सब प्रॉब्लम्स हम लोग ने देखे थे। देन हम लोग ने वुमेन्स के मूवमेंट के बारे में देखा, राइट। तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, इंडिपेंडेंस के पहले, वुमेन्स को अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ट्रेडिशन है, सती का ट्रेडिशन। उसमें क्या होता था, जो भी विडो वुमन है उसको अपने हस्बैंड के साथ रिचुअल में बर्न होना पड़ता था, जलना पड़ता था। तो ऐसे कुछ बहुत बुरे ट्रेडिशन हम लोग के यहाँ पे थे, तो उसको बंद करने के लिए अलग अलग लोगों ने अपने काम किया था। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने देखा था ईश्वराचंद्र विद्यासागर, उन्होंने क्या किया था कि जो विडो रीमैरिज का प्रैक्टिस इंडिया में अलाउ नहीं था, उसके लिए उन्होंने हार्डवर्क किया था, या फिर उसके लिए उन्होंने एक सोशल मूवमेंट स्टार्ट किया था। फिर हम लोग ने नाम देखा था राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने क्या किया था, जो सती का ट्रेडिशन था उसको बंद करवाने के लिए इंडिया में सोशल मूवमेंट स्टार्ट किया था। सिमिलरली हम लोग ने देखा था कि महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने क्या किया था, सावित्रीबाई फुले ने, कि वुमेन्स के एजुकेशन के लिए उन्होंने पुणे में पहला वुमेन्स के लिए एक स्कूल खोला था। तो इन्होंने एजुकेशन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो ऐसे अलग अलग मूवमेंट्स इंडिया में स्टार्ट हो रहे थे वुमेन्स के लिए, राइट। फिर उसके बाद में हम लोग ने रिसेंट प्रॉब्लम्स देखे वुमेन्स के, कि एजुकेशन नहीं है, इक्वलिटी नहीं मिलती है, और अभी भी इसके लिए अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग इश्यूज के लिए वुमेन्स क्या करते हैं, सोशल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेशन करते हैं। ओके, देन वी सॉ एनवायरमेंटल मूवमेंट। सो एनवायरमेंटल मूवमेंट में हम लोग ने देखा था कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो अभी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है, और उसके वजह से बहुत सारे ऐसे नेशनल एंड ऑल्सो इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, सोशल मूवमेंट कंटिन्यू करते हैं। उसमें मैंने कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आपको बताया था, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, IUCN करके एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऐसे अलग अलग यूनियंस है जो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स को कैरी करते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। फिर मैंने आपको और बताया था कि राजस्थान में डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा राणा, इन्होंने क्या किया था, जोहाड़ बिल किए थे। जोहाड़ क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, ओके, बारिश का जो पानी होता है उसको सेव करके बाद में वो पानी को यूज़ करना होता है एग्रीकल्चर या फिर नॉर्मल वर्क के लिए। उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन भी बिल्ड किया था, तरुण भारत संघ, और उन्होंने जो भी काम किया था राजस्थान में वाटर कंजर्वेशन के लिए, उसके लिए उनको वाटर मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। सिमिलरली उनको वाटर, स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला था, जिसको एज अ नोबल प्राइज ऑफ वाटर माना जाता है। इट इज़ नॉट नोबल प्राइज ऑफ वाटर, पर उसको ऐसा बोला जाता है कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ नोबल प्राइज फॉर वाटर। सो ये भी उनको मिला था, तो इनके बारे में देखा था हम लोग ने। देन मैंने आपको बताया था कि और बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल मूवमेंट इंडिया में हुए हैं। फॉर एग्जांपल चिपको मूवमेंट आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, तो इसके लिए मैंने इसको डीप में नहीं सिखाया था आपको क्या था। उसमें सुंदरलाल बहुगुणा ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था, जो भी हिमालयन जो भी फॉरेस्ट में इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, या फिर पेड़ को डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा था, पेड़ काटे जा रहे थे, उनको इन्होंने प्रोटेक्ट किया था। उसमें हम लोग ने लास्ट ईयर बहुत सारे नाम्स भी देखे थे लेडीज के, कि अलग अलग वुमेन ने क्या किया था, पेड़ को उन्होंने पकड़ के रखा था और किसी को पेड़ काटने नहीं दिया, और इसीलिए उसका नाम क्या था, चिपको मूवमेंट, ऐसा नाम इसको दिया गया था। तो ये क्या हो गई, एक एनवायरमेंटल मूवमेंट हो गई। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट जो था वो बाकी था, एंड दिस इज कंज्यूमर मूवमेंट। अभी कंज्यूमर मूवमेंट क्या है, कंज्यूमर मूवमेंट इमर्ज्ड इन इंडिया आफ्टर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट in 1986. This movement has a broad objective. The movement believes that each member of the society is consumer. अभी ये movement जो है वो start कब हुआ था, जब इंडिया में 1986 में consumer movement, consumer protection act आया था। consumer मतलब क्या होता है, जो भी लोग कोई चीज खरीदते हैं उनको क्या बोला जाता है, consumer बोला जाता है। अगर हम लोग कोई good या फिर कोई service खरीद रहे हैं तो उनको क्या बोला जाएगा, consumer बोला जाएगा। और ये कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग एक्ट इंडिया में आए थे, और उसके लिए फिर इंडिया में कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हो गया। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन भी है, जिसके ऊपर आप फ़ोन करके आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बता सकते हो। देन कंज्यूमर मूवमेंट के लिए या फिर कंज्यूमर्स के प्रॉब्लम के लिए कंज्यूमर मोबाइल ऐप भी है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट ने ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के
तहत की गई है। तो ये क्यों की गई है चीजें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जहाँ से हम लोग कोई चीज खरीदते हैं या फिर कोई सर्विस खरीदते हैं, वहां पे कभी कभी हमारे साथ धोखा हो जाता है, कभी कभी कोई चीट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू चेंजिंग नेचर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, कंज्यूमर फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स, एडल्टरेशन, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ आइटम्स। इफ एनीवन हैव ऑन देयर माइक प्लीज कीप इट ऑफ। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ आइटम्स, फ्रॉड इन वेट एंड मेजरमेंट्स एंड सम अदर प्रॉब्लम्स। द कंज्यूमर मूवमेंट वॉज टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम सच टाइप ऑफ फ्रॉड। तो कंज्यूमर्स के साथ, मतलब जो भी लोग खरीदते हैं कुछ चीज़, उनके साथ बहुत सारे फ्रॉड होते थे। फॉर एग्जाम्पल, एडल्टरेशन। एडल्टरेशन मतलब क्या होता है कि जो भी फूड का आइटम होगा उसमें कोई तो दूसरी ही चीज़ मिलाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो मिल्क है, तो मिल्क में है ना चॉक पाउडर, सोप पाउडर, यूरिया, ये सब चीज़ें मिलाई जाती है। क्यों? क्योंकि मिल्क की कॉस्ट कम हो जाए और जो भी ये मिल्क बेच रहा है उसको फ़ायदा हो जाए। लेकिन इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स, कैंसर, वोमिटिंग, ऐसे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? एडल्टरेशन। और ऐसे एडल्टरेशन के वजह से बहुत सारे कंज्यूमर को प्रॉब्लम्स हो रहे थे, और उसके लिए इंडिया में ये एक्ट आया था। और कंज्यूमर्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? अपने राइट्स के लिए फाइट करना स्टार्ट कर दिया। और आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि चिली पाउडर। तो चिली पाउडर में ब्रिक पाउडर, ब्रिक मतलब जो ईट होती है, विटास ना क्या, और वी कैन से सॉडस्ट। सॉडस्ट पता है सबको, सॉडस्ट क्या होता है? सॉडस्ट मतलब वेट अ मोमेंट, सॉडस्ट मतलब क्या होता है? जो भी हम लोग लकड़ी वगैरह काटते हैं उससे जो भी रेसिड्यू बचता है उसको सॉडस्ट बोला जाता है। तो ऐसी चीजें अगर चिली पाउडर में मिक्स कर दी तो उससे अलग अलग स्टमक प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ कलर्स अगर मिक्स कर दिए तो उससे कैंसर भी हो सकता है। इवन आप यहाँ पे टर्मरिक पाउडर में देख सकते हो, येलो कलर के अलग अलग डाई, अलग अलग कलर मिक्स किए जाते हैं, और उसके वजह से स्टमक डिसऑर्डर्स या फिर कार्सिनोजेनिक प्रॉब्लम्स, कार्सिनोजेनिक मतलब जिससे कैंसर हो सकता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए इंडिया में कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हो गया, कि कंज्यूमर अपने राइट्स के लिए तभी से लड़ने लगे। तो कभी भी अगर कोई किसी जगह पे आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपने कहीं से कोई चीज़ खरीद ली है, कोई फूड प्रोडक्ट खरीदा है और आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो आप कंज्यूमर हेल्पलाइन पे आपका कंप्लेंट कर सकते हो। अल्सो और क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? वेट एंड मेजर्स। आपने ये देखा होगा कभी, आप अगर बाहर भाजी सब्जी वगैरह लेने गए होंगे, ऐसे मेजरमेंट्स यूज होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनको अलग तरीके से, मतलब फेक मेजरमेंट्स यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 kg का मेजरमेंट है तो उसको कुछ अलग ही टाइप पे मेजर किया जाता है, और उससे क्या होता है, जो सेलर है उसको फायदा हो जाता है और हम लोग जो कंज्यूमर है उनको लॉस हो जाता है। तो इसके वजह से अलग अलग ये प्रॉब्लम्स लोगों को फेस ना करने पड़े, इसके लिए कंज्यूमर मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ था। आप और एग्जाम्पल्स देख सकते हो, जैसे कि कोई फूड आइटम है, यहाँ पे दिया है एडिबल ऑयल्स। ऑयल्स में ना अनएडिबल ऑयल्स, अनएडिबल्स मतलब जो खा नहीं सकते, जो फूड करके यूज नहीं कर सकते, ऐसे ऑयल्स कभी कभी मिक्स कर दिए जाते हैं, उससे भी कार्सिनोजेनिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। मिल्क हम लोग ने ऑलरेडी देखा। देन टी। टी में क्या होता है, जो टी के यूज लिव्ड होते हैं, जो हम लोग ने ऑलरेडी यूज किए होते हैं, उनको फिर से यूज किया जाता है और उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो सिल्वर वर्क, आपने देखा होगा बहुत टाइम मिठाई वगैरह के ऊपर सिल्वर का वर्क लगाया जाता है, लेकिन ये अगर एल्यूमिनियम का लगाया जाए तो उससे भी हम लोग को बहुत सारे हेल्थ हजार्ड हो सकते हैं। देन फूड कलर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। चिली पाउडर हम लोग ने देखा, सॉडस्ट कलर उसमें मिक्स किया जाता है। सो ऐसे अगर कोई फूड के साथ, आपके फूड आइटम के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई फ्रॉड हो रहा है, तो आपको कंप्लेंट करने के लिए कोई तो चाहिए। इसके लिए इंडिया में क्या ओपन किया गया था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ओपन किया गया था और कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हो गई। तो ये था हमारा फाइनल पार्ट अबाउट कंज्यूमर मूवमेंट। ऐसे अलग अलग मूवमेंट्स हम लोग ने अभी स्टडी किए। द मूवमेंट इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पब्लिक लाइफ। द पोस्ट 1918 मूवमेंट्स आर कॉल्ड न्यू सोशल मूवमेंट एज देयर नेचर इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर मूवमेंट। दिस मूवमेंट्स आर इशू बेस्ड। इट मीन्स दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज इशू बेस्ड मास मूवमेंट्स। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे क्या दिया गया कि 1980s के बाद जो भी मूवमेंट हुए थे उनको बोला जाता है नियो सोशल मूवमेंट। नियो मतलब वो न्यू है, अलग तरीके के मूवमेंट। अभी अलग कैसे,
तो ये किसी ना किसी इशू के ऊपर बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग ने जो मूवमेंट्स देखे वो कैसे थे, फार्मर मूवमेंट, वुमेंस मूवमेंट, तो कोई इशू नहीं है, एक ग्रुप है सोसाइटी का और उसके लिए उनके राइट्स के लिए फाइट होता था। लेकिन अभी के जो नए मूवमेंट है वो किसी ना किसी इशू के ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप नीचे इमेज देख सकते हो NPR या फिर CAA, आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर न्यूज़ में था, ये क्या था, ये कि इंडिया में अलग अलग बाकी के कंट्रीज से अलग अलग कास्ट के लोगों को अलाउ किया था कि आप इंडिया में आके इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हो। लेकिन इससे बहुत सारे इंडियंस क्या थे, नाखुश थे, और उसके लिए उन्होंने सोशल मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी। तो अभी ये किसी फार्मर के लिए है क्या, किसी वुमन के लिए है क्या, नहीं, एक इशू बेस्ड मूवमेंट है। कोई तो एक इशू है जो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है और वो इशू के ऊपर क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो इसको बोला जाता है इशू मूवमेंट, इशू बेस्ड मूवमेंट। तो अभी के टाइम पे इंडिया में क्या हो रहा है, ये जो इशू बेस्ड मूवमेंट है वो बढ़ रहा है और इनको क्या बोला जाता है, नियो सोशल मूवमेंट। किसी पर्टिकुलर क्लास या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से ये मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर बेस्ड मूवमेंट हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग मूवमेंट्स को हम लोग ने अपने सिलेबस में स्टडी किया है। नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे दिया गया है कि हम लोग डेमोक्रेसी के चैलेंजेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं, लेकिन इन 2020 वी डोंट हैव द 5th चैप्टर इन सिलेबस, सो ये चैप्टर हम लोग स्टडी नहीं करने वाले। थोड़ा हम लोग एक्सरसाइज में देख लेते हैं क्या क्या। डैश डैश इज द मेन डिमांड ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स का मेन डिमांड क्या है, टू गेट द राइट प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड बिकम सेल्फ सफिशियंट विथ रिगार्ड टू फूड ग्रेन्स डॉट डॉट वॉज इनिशिएट। तो एग्रीकल्चर के लिए हम लोग ने देखा था ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, राइट। देन अभी यहाँ पे ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में आपको नोट लिखनी है, वर्कर्स मूवमेंट के बारे में लिखनी है। ट्राइबल मूवमेंट में क्या था कि इंडिया के ट्राइबल्स को फॉरेस्ट राइट्स नहीं मिलते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके फॉरेस्ट राइट्स उनको नहीं दे रहा था, इसके लिए वो स्टार्ट हुई थी। वर्कर मूवमेंट्स क्या हुआ था, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत सारे वर्कर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ सोशल मूवमेंट्स करना स्टार्ट किया था, तो वो वर्कर्स मूवमेंट में आएगा, वर्कर्स के अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द एक्टिविटीज रोल फंक्शन ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट। तो एनवायरमेंटल क्यों होता है, एनवायरमेंटल मूवमेंट में क्या क्या, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, बायोडाइवर्सिटी हम लोग की कम हो रही है। फिर इसमें राजस्थान के जोहाड़ का एग्जाम्पल देख सकते हो, राजेंद्र राणा का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जिनको स्टॉकहोम वाटर प्राइस मिला उनका एग्जाम्पल दे सकते हो। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया। तो फार्मर्स मूवमेंट क्यों हुआ था, क्योंकि फार्मर्स के खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इनजस्टिस कर रही थी, जैसे टैक्स बढ़ाना या फिर उनको अलग अलग क्रॉप्स कल्टिवेट करने को प्रेशराइज करना। फिर उसमें अलग अलग मूवमेंट्स देखे हम लोगों ने, जैसे कि चंपारण्य मूवमेंट, तो ये सब मूवमेंट्स के बारे में आप लिख सकते हो। फॉर विच रिफॉर्म्स वेयर द वुमेंस मूवमेंट इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड फाइटिंग। तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में वुमेंस कौन कौन से चीज़ों के लिए फाइट कर रही थी, सती हो गया या फिर एजुकेशन हो गया या फिर वी कैन से चाइल्ड मैरिज, विडो री मैरिज, ये सब प्रॉब्लम्स के लिए प्री इंडिपेंडेंस टाइम में वुमेंस फाइट कर रही थी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाई गिविंग रीजन्स, मूवमेंट आर इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में मूवमेंट इंपॉर्टेंट क्यों होता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो मैंने आपको इसको स्टार्ट के लेक्चर में बताया था कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो गवर्नमेंट कवर नहीं कर पाती। तो अगर किसी के खिलाफ कोई इनजस्टिस हो रहा है तो वो अगर मूवमेंट करेगा, सोशल मूवमेंट स्टार्ट करेगा, तो गवर्नमेंट को उसके प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए डेमोक्रेसी में मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मूवमेंट डू नॉट नीड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अब ये सेंटेंस रॉन्ग है एक्चुअली, क्योंकि मूवमेंट में हम लोग ने देखा था कि मूवमेंट डू नीड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। लीडरशिप से मूवमेंट कभी भी अच्छी तरीके से चलती है, कभी एग्रीटेशन करना है, कभी मूवमेंट स्टार्ट करना है, ये सब चीज़ें लीडर बता सकते हैं। तो मूवमेंट डू नीड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। कंज्यूमर मूवमेंट कैम इन टू एग्जिस्टेंस। तो कंज्यूमर मूवमेंट क्यों एग्जिस्टेंस में आया था, तो हम लोग ने देखा कंज्यूमर्स को अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे, जैसे कि फूड एडल्टरेशन या फिर मेजरमेंट्स में प्रॉब्लम्स। ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से इंडिया में कंज्यूमर मूवमेंट एक्ट आया और फिर कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ओके, सो दिस वॉज अबाउट एक्सरसाइज। नाउ वी हैव टू स्टार्ट अबाउट द नेक्स्ट लेसन विच इज़ ज्योग्राफी।